हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, वेलकम बैक टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम अपने टेरेस पर जो हमने रेनी सीजन के लिए सेटअप बनाया है वो आपको दिखाने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा समर सीज़न का वो लास्ट सेटअप था, तो अभी हमने रेनी सीजन के लिए हमने सारे जो भी हमारे पॉट्स है, गमले है, वो सभी में से मिट्टी हमने रिचार्ज की है और फिर से हमने खाद वगैरह मिक्स करके हमने पूरे गमले हमारे तैयार कर दिए। इसी तरह से हमने कुछ हमारा सेटअप किया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ चीकू का प्लांट है, चीकू का जो ड्रम था वो हमने उस ड्रम में की पूरी मिट्टी हमने निकाल कर, प्लांट निकाल कर फिर से हमने खाद बात मिक्स करके और उसमें मिट्टी भर के प्लांट को लगा दिया है। और पहले आधा ड्रम था तो हमने अभी पूरा ड्रम फुल भर के मिट्टी डाली है और उसमें अच्छे से वो चीकू का प्लांट अभी बढ़ेगा। और समर सीजन में हमने जो भी हमारे पॉट्स को पास पास रखा था तो अभी हमने रेनी सीजन में उनको थोड़ा डिस्टेंस में रख दिया है, दूर दूर रख दिया है, क्योंकि बारिश की वजह से अगर हम पास पास गमले रख देते हैं तो पानी ज़्यादा गमलों के नीचे ही रुका रहता है, तो हम अगर डिस्टेंस में रखते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है और इसी वजह से हम रेनी सीजन में दूर दूर गमले रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैरी, इस कैरी में हमने कुछ पौधे लगाए हैं। ये तो कुछ पौधे समर सीजन के ही है और ये दूसरी कैरी है। इस कैरी में भी हमने कुछ बेलें लगाई है, कुछ पौधे लगाए हैं, सब्जियाँ लगाई है, कुछ भिंडी है, ग्वार है और देखिए करेला है। आपको मैं करेला दिखा दूँ, बहुत सारे करेले लगे हैं इस बेल में। ये देखिए ढेर सारे करेले लगे हैं इसमें, छोटे छोटे भी है और बड़े भी है बहुत सारे। बहुत सारी कलियां है इसमें। हम ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट डालते हैं और जो हमारा किचन वेस्ट लिक्विड निकलता है वो भी हम इसमें डालते हैं, तो इसलिए देखिए ढेर सारी कलियां और फ्लावर्स भी है और करेले भी बहुत सारे लगे हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग कैसे करते हैं उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए, इस कैरी में हमने ज़्यादातर बरबटी लगाई है। बरबटी में भी बहुत सारी फलियां आ चुकी है। देखिए, ये दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए, ये एक एक जो फलियां दिख रही है ना, अभी लग रही है फलियां। इसमें इस बरबटी की बेल पर चींटे बहुत रहते हैं, बड़े बड़े चींटे, लेकिन वो चींटे हमारे काम के भी है। जब वो चींटे हमारे बेल पर घूमते हैं यहाँ से वहाँ तो वो पॉलिनेशन का काम करते हैं, तो इसीलिए हमें चींटे को मारना नहीं चाहिए, रहने देना चाहिए। ये देखिए, ये छोटी सी बेल है लेकिन इस पर बरबटी की फलियाँ देखिए कितनी भर भर कर लगी है ना। ये देखिए, यहाँ पर ग्वार फली के प्लांट्स हैं, इसमें फलियाँ आ रही है। इस कैरी में मैंने ज़्यादातर ग्वार फली के ही प्लांट्स लगाए हैं, उधर साइड में भी लगाए हैं। हमने जो वहाँ पर कैरी बनाई थी टेम्पररी कैरी, वो हमने हटा दी है और वहाँ पर हमने हमारे गमले रखे हैं, क्योंकि हम जो टेम्पररी कैरी बारिश में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैरी के नीचे जो पानी जमा होता है उस वजह से हमारे स्लैब में सीलन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम टेम्पररी कैरी बारिश में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर चिली का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी। और ये गोभी है, ये फ्लावर है, ये और एक करेले की बेल है, इसमें भी देखिए करेले लग रहे हैं। ये छोटी साइज का करेला है तो इसकी साइज ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैंने बड़ी साइज का करेला भी लगाया है, मेरे बैकयार्ड गार्डन में है, जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था वो बहुत ही लंबा है और 1 से 1.5 फीट तक उसकी लंबाई है करेले की।
हमने जो अभी अभी टेम्पररी कैरी हटाई है उसकी मिट्टी हमने कुछ जो हमारे गेहूं और राइस की जो बैग्स होती है उसमें रखे हैं, क्योंकि ये जो बैग्स होती है राइस की गेहूं की, ये 3 महीने आराम से चल जाती है। तो हम बारिश में उन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं और बारिश ख़त्म होने के बाद फिर से हम उस मिट्टी को टेम्पररी कैरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नीचे पॉलीथीन शीट लगाकर, साइड में कुछ ईंटें लगाकर इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें नए ग्रो बैग्स हो या फिर गमले हो उसमें इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये हमारे तरबूज है, वाटरमेलन कुछ 3-4 लगे हैं, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। वैसे तो हमने इन्हें आपको दिखाया है पहले। और यहाँ पर एक है जिसे कि चींटियों ने खा लिया है, उसे भी हमने बेल पर रहने दिया है क्योंकि वो हमने चींटियों के लिए ही रखा है। तो कोई भी चींटियाँ हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, वो उसे खा सकते हैं आराम से। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं और कुछ प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज हमें नेचर के लिए भी छोड़ देना चाहिए, चींटियों के लिए, कीड़ों के लिए, बंदर के लिए, सबके लिए। तो सभी के लिए हमने थोड़ा थोड़ा शेयरिंग में हमें मिलता है, हमें पूरा तो नहीं मिलता। ये देखिए, ये खरबूजे की बेल है, देखिए इसमें और फिर से खरबूजा आ रहा है। और नीचे हमने उसके लकड़ियाँ डाल रखी है क्योंकि वो ज़मीन से टच ना हो फ्रूट, इसलिए। और यहाँ पर ये देखिए चीकू का प्लांट है, इसमें भी अभी चीकू आए हैं। हमने पहले भी इसके चीकू हार्वेस्ट किए हैं, आपको हमने पहले दिखाया था। देखिए मैं आप दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक चीकू लगा है और छोटे छोटे कलियाँ भी है, यहाँ पर भी एक लगा है और छोटी छोटी कलियाँ हैं। ऐसे हर ब्रांचेस में इसमें कलियाँ आ चुकी है। हम इसके अपडेट्स आपको ज़रूर देते रहेंगे। और हमने कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स की शॉपिंग की है, कुछ फ्लावर प्लांट्स की शॉपिंग की है, कुछ वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हमारे जो ये बड़े बड़े ड्रम्स है उसमें हम उन प्लांट्स को रिपोर्टिंग भी करेंगे। जैसे कि हमने हनुमान फल का प्लांट लिया है और लक्ष्मण फल का भी प्लांट लिया है, वो भी हम सभी प्लांट्स को और बारहमासी आम जो होते हैं वो सभी हम इन ड्रम्स में रिपोर्टिंग करेंगे और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। और हमने नर्सरी से जो भी ढेर सारी शॉपिंग की है वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक गार्डनिंग से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।